हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम जगविंदर है ग्रुप पॉलिसी सीरीज के इस वीडियो में चलिए हम जानते हैं कि हम अपने डोमेन इन्वायरमेंट में सी डीवीडी या रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस जैसे कि यूएसबी डिवाइस या पेन ड्राइव के एक्सेस को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है उसका डेटा और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने डेटा को सिक्योर रखने की कोशिश करती है तो ये ग्रुप पॉलिसी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को मदद करती है कि जब भी डोमेन यूजर्स डोमेन में लॉगिन करेंगे तो जिस पीसी से वो लॉग इन करेंगे उस पीसी के सी डी डीवीडी या रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही वो रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस जैसे कि यूएसबी डिवाइस एक्सटर्नल हार्ड डिस्क इसको भी एक्सेस नहीं कर पाएंगे तो चलिए अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर जाकर हम अपने डोमेन एनवायरनमेंट को और सिक्योर करने का तरीका सीखते हैं और ये सीखते हैं कि कैसे सीडी और डीवीडी और रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस जैसे कि पेन ड्राइव एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के एक्सेस को कंट्रोल किया जा सकता है तो देखिए मैं अपने डोमेन कंट्रोलर के ऊपर आ गया और यहां पे सबसे पहले हमने जो लास्ट वीडियो में एक ग्रुप पॉलिसी इंप्लीमेंट की थी जो की थी कि हमने माय कंप्यूटर में से ए बी सी डी ड्राइव्स को हाइड कर दिया था तो पहले हम उसको हटाते हैं तो मैं इस पॉलिसी को डबल क्लिक करता हूं और नॉट कन्फिगेट करके इसे ओके okay कर देता हूं इसके बाद पॉलिसी को इमीडिएटली अपडेट करने के लिए हम जीपी अपडेट फॉरवर्ड स्लैश फोर्स को रन करते हैं तो ये बैकग्राउंड में रन करता रहेगा मैं इस ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर को बंद करता हूं और आपके सामने मेरा ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल आ गया हम इस पॉलिसी को अपने इन्वायरमेंट में कहीं भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो इसको डोमेन पे इम्प्लीमेंट करके डोमेन के सभी यूजर्स के ऊपर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट कर सकते हैं लेकिन फॉर टेस्टिंग पर्पसेस हम इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के सेल्स ओयू के ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं इस सेल्स ओयू में हमारे पास कुछ यूजर्स हैं जैसे कि परम टेस्ट यूजर वन टेस्ट यूजर टू इसके बाद सेल्स ओयू के ऊपर पॉलिसी इंप्लीमेंट करने के लिए हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही कुछ चेंजेस करते हैं तो मैं इस सेल्स पॉलिसी को जो कि सेल्स ओयू से लिंक्ड है राइट right क्लिक करता हूं और एडिट करता हूं तो आपके सामने ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट एडिटर आ गया इसमें से मैं यूजर्स कॉन्फिग्रेशन में पॉलिसीज को एक्सपेंड करता हूँ और यहाँ से इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स को एक्सपेंड करता हूँ फिर मैं सिस्टम को एक्सपेंड करता हूँ और इसके बाद यहाँ से मैं रिमूवेबल स्टोरेज एक्सेस को डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए आपके सामने बहुत सारी ग्रुप पॉलिसीज आ गई जिनमें से सी डी एंड डीवीडी को आप डिनाय रीड एक्सेस डिनाय राइट एक्सेस फ्लॉपी ड्राइव्स को आप एक्सेस डिनाई कर सकते हैं रिमूवेबल डिस्क को आप रीड एक्सेस या राइट एक्सेस डिनाई कर सकते हैं और देखिए यहाँ पे एक पॉलिसी है कि ऑल रिमूवेबल स्टोरेज क्लासेस डिनाई ऑल एक्सेस यानी कि सभी रिमूवेबल डिवाइसेस जो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप से रिमूव हो सकती हैं उनको एक्सेस डिनाय कर दिया जाए तो हम इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं मैं इसको डबल क्लिक करता हूं और यहां से एनेबल करता हूं और इसके बाद ओके okay को क्लिक करता हूं हमारी पॉलिसी एनेबल स्टेट में आ गई है इसके बाद पॉलिसी को अपडेट करने के लिए हम जीपी अपडेट फॉरवर्ड स्लैश फोर्स कमांड को रन करवाते हैं तो देखिए ग्रुप पॉलिसी मेरी अपडेट हो रही है यूजर पॉलिसी अपडेट हो गई है तो कंप्यूटर पॉलिसी भी अपडेट हो गई है अब जरा हम अपने क्लाइंट के ऊपर जाकर ये चेक करते हैं कि हमारी पॉलिसी सक्सेसफुली इंप्लीमेंट हुई है या नहीं तो देखिए मैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ एज अ डोमेन यूजर तो हमने ये पॉलिसी इंप्लीमेंट की है सेल्स ओयू के ऊपर तो मैं सेल्स ओयू के एक यूजर टेस्ट यूजर वन से लॉग इन करता हूँ इसका पासवर्ड एंटर करता हूँ और एंटर की को प्रेस करता हूँ तो देखिए यूजर लॉग हो रहा है तो देखिए लॉग इन करते ही हमारे सामने रिमूवेबल डिस्क ई का हमारे सामने एक ऑटो प्ले ऑप्शन आया है अगर आप इसको ऑटो प्ले करना चाहें तो इसे कर सकते हैं मैं यहाँ से भी ओपन फोल्डर टू व्यू फाइल्स कर सकता हूँ मैं स्टार्ट पे क्लिक करके सबसे पहले आपको ड्राइव्स दिखाता हूँ तो देखिए यहाँ पे हमारे पास सी ड्राइव है एक डीवीडी ड्राइव है जिसमें मैंने इंस्टॉलर डीवीडी इंसर्ट की हुई है विंडो सेवन की और रिमूवेबल डिस्क जो कि ई ड्राइव है तो चलिए पहले हम डीवीडी को डबल क्लिक करते हैं तो देखिए आपको एक एरर मैसेज आ रहा है कि एक्सेस इज डिनाइड इसी तरीके से हम इस रिमूवेबल डिस्क जो कि मेरी पेन ड्राइव है इसको डबल क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एरर मैसेज आ रहा है कि एक्सेस इज डिनाइड तो बेशक से हमारा कंप्यूटर हमारी यूएसबी डिवाइस को सेंस कर रहा है लेकिन जब भी हम इसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो ये हमें एरर मैसेज दे देता है कि आप इस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं हम ओके okay बटन को क्लिक करते हैं चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं आप मुझे बताएं कि हमने सीडी डीवीडी या रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेस के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी वो यूजर्स पे लगाई थी या कंप्यूटर्स पे आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 15 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम ग्रुप पॉलिसी के थ्रू अपने डोमेन एनवायरमेंट को कैसे सिक्योर कर सकते हैं इस वीडियो में हमने अपने डोमेन यूजर्स के ऊपर डीवीडी और रिमूवेबल मीडिया डिवाइसेज जैसे कि पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के एक्सेस करने पर रिस्ट्रिक्शंस लगाए तो इस वीडियो में इतना ही थैंक्स फॉर लिसनिंग